नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको जूली मूवी का बहुत ही फेमस बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग सिखाने वाला हूँ। सॉन्ग का नाम है दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। इस सॉन्ग को गाया है किशोर कुमार जी ने। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा नया अपलोड वीडियो का जानकारी आपको हो सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बात और बता दें आपको, जिन भाइयों को ऑनलाइन कीबोर्ड पियानो क्लास ज्वाइन करना और मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा कांटेक्ट नंबर वीडियो पे शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर अपलोडेड किसी भी सॉन्ग का यदि किसी भाई को वेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो 150 रुपये प्रति सॉन्ग पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकता है और अपना मनचाहा सॉन्ग का ट्यूटोरियल वीडियो भी मुझसे रेडी करवा सकता है। उसके लिए कुछ चार्जेस देने होंगे। तो चलिए मित्रों, सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग का स्केल है जी शार्प माइनर, जिसका कार्ड ये रहा। तो प्रील्यूड का पहला म्यूजिक पार्ट देखते हैं जो कि स्ट्रिंग से है। देखिएगा कैसे प्ले करना है। इसके बाद गिटार का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। फिर इसके आगे फिर नेक्स्ट इतना गिटार का म्यूजिक पार्ट है। फिर इसके बाद फ्लूट का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे। फिर स्ट्रिंग, फिर से फ्लूट, फिर इसके बाद ब्रास का म्यूजिक पार्ट है। फिर इसके बाद मित्रों ब्रास का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा फिर फ्लूट, फिर से स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग का नेक्स्ट पार्ट, फिर अगला स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट, तो मित्रों इतना था प्रील्यूड। तो अब चलिए स्थाई के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, देखिएगा। देखिएगा फिर अगली लाइन, जाने कहां जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, देखिएगा ये लाइन। फिर अगली लाइन, ऊंची ऊंची दीवारों सी, देखिएगा। इस दुनिया की रस्में, इस
स्ट्रिंग का फिलर म्यूजिक, फिर अगली लाइन हो ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में, देखिएगा यहां पर एक फ्लूट का फिलर म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिए कैसे प्ले होगा। इसके बाद मित्रों स्टार्टिंग वाली लाइन है प्ले करना है आपको, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, यही लाइन आपको रिपीट कर देना है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो मित्रों इतना था प्रील्यूड और स्थाई, तो चलिए फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। फर्स्ट इंटरल्यूड में सबसे पहले बिसल का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। तो बिसल का म्यूजिक पार्ट पहले टाइमिंग में देखिएगा, कुछ इस प्रकार प्ले करना है आपको, दो बार प्ले करना है। देखिए मैं एक बार आपको स्लोली बता रहा हूं, फिर इसके बाद स्ट्रिंग का रन है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। मिडिल ऑक्टिव के जी शार्प नोट से और हायर ऑक्टिव यानी कि फिफ्थ ऑक्टिव के डी शार्प नोट तक स्केल पे ही रन लेके जाना है आपको, देखिएगा कैसे। वन फिंगर से इसके बाद फिर से बिसल का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। फिर इसके बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा कैसे, फिर से देखिए। टाइमिंग में फिर से देखिए, फिर इसके बाद फिर से बिसल का म्यूजिक पार्ट, फिर से स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट, देखिएगा स्लोली देखिए, इसके बाद फिर से बिसल का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिए देखिएगा। फिर इसके बाद मित्रों संतूर का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको,
पहले टाइमिंग में, बाद में स्लोली। चलिए आप स्लोली देखिएगा, यक्षार नोट को 10 बार प्ले करना है आपको, उसी प्रकार डी शार नोट को भी 10 बार प्ले करना है। कैसे, स्लोली देखिए, तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, देखिएगा, फिर अगली लाइन वैसे सागर से लहर उठती है, फिर अगली लाइन ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, देखिएगा, ये सारी लाइनें आपको रिपीट कर देना है, यानी कि 2 बार प्ले करना है। फिर अगली लाइन देखिएगा, हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, देखिएगा, यहां पर स्ट्रिंग का फिलर है। फिर अगली लाइन, ना कुछ तेरे बस में जूली ना कुछ मेरे बस में, यहां पर फ्लूट का म्यूजिक पार्ट। इसके बाद मित्रों स्थाई वाली लाइन प्ले करना है आपको, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। इसके बाद एक स्ट्रिंग का फिलर म्यूजिक पार्ट आ जाता है, चलिए देख लीजिएगा ये लाइन। स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। वन फिंगर से फिर अगली लाइन, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। तो मित्रों सेकेंड इंटरल्यूड में सबसे पहले ओबे का म्यूजिक पार्ट है, मैंने ओबे का टोन लिया है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। स्लोली देखिए, फिर बिसल का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा, वन फिंगर से, इसके बाद फिर से ओबे का म्यूजिक पार्ट आ जाता है। इतना प्ले करना है, फिर इसके बाद स्ट्रिंग, फ्लूट,
फिर से स्ट्रिंग, एक ही पार्ट अलग अलग ऑक्टेव से प्ले किया गया है। इसके बाद मित्रों संतूर का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा। कैसे दो बार प्ले करना है ये पार्ट आपको, फिर इसके बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, स्लोली देखिए। आठ बार यहां पे प्ले करना है आपको। इसके बाद संतूर का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा। ये फर्स्ट इंटरल्यूड वाला है संतूर का पार्ट, वही आपको प्ले करना है। चलो ये एक बार देख लीजिए, टाइमिंग में तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। आ मैं तेरी याद में सबको बुला दूं, देखिएगा। फिर अगली लाइन, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। फिर अगली लाइन, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। फिर अगली लाइन, यही लाइन है मित्रों, आपको रिपीट कर देना है। इस सारी लाइनें आपको दो बार प्ले करनी है। फिर मित्रों अगली लाइन देखिएगा, हो दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, देखिएगा। फिर अगली लाइन, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। इसके बाद मित्रों स्थाई वाली सारी लाइनें आपको प्ले कर देनी है। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, स्ट्रिंग का फिलर म्यूजिक पार्ट, जो कि फर्स्ट अंतरे में भी मैं बता चुका हूं आपको कौन सा, देखिएगा। इसके बाद सारा का सारा आपको स्थाई वाली लाइनें प्ले कर देनी है, वही म्यूजिक पार्ट है जो कि मैं बता चुका हूं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मित्रों बिसल से एक म्यूजिक पार्ट प्ले हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो मित्रों इतना था ये सांग, आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको बहुत ही
पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस सॉन्ग का किसी भाई को वेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो 150 रुपये पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।